أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته कैसे हैं आप लोग? इतने आराम से खामोशी से घर में भी बैठते हैं। अगर हमारे घर वाले हमें देखें तो हैरान रह जाएं। ऐसे ही ना? चलिए, अल्लाह ताला से दुआ है कि आज हम कोई ऐसी बात लेकर जाएंगे जो हमारे साथ रहे। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि नो वन नोस कि उसका कौन सा अमल उसको जन्नत में ले जाएगा। अल्लाह करे कि हमारा आज का यहाँ बैठना जन्नत में जाने का, बैठने का और वहां के दर्जों को पाने का जरिया बन जाए। बहुत ही खूबसूरत दिन है, सारा साल ही खूबसूरत होता है, लेकिन जो आने वाले दिन है वो रमजान के हैं और मुझे यकीन है कि आप भी बड़ी बेचैनी से उसका इंतजार कर रहे हैं मेरी तरह। ऐसी है क्योंकि बाज लोगों को कहें रमजान आ रहा है, वो कहते हाय रमजान आ रहा है, हाय रमजान आ रहा है, हाय रमजान आ रहा है, और कुछ है वो कहते हैं रमजान आ रहा है, रमजान आ रहा है। तो रमजान एक मेहमान, मैके से मेहमान आए तो अच्छे लगते हैं, ससुराल से आए तो जान निकल जाती है, है? और सोहन में से ज्यादा आपके घर की बातें या नहीं करती। शुरू करते हैं इस सोच के साथ कि आज हम बेहतरीन तरीके से इस बात को दे भी सकें और ले भी सकें, और फिर इसके बाद कोई क्वेश्चन कोई चीज आपके जहन में आएगी तो आप ले लें। बच्चे वाली जो मदर है उनको इधर ही रखिए, आप पीछे यूट्यूब या फेसबुक कहीं से भी सुनते हुए आप में से कोई एडमिन है तो वो हेल्प करे, मदर को जरूर अंदर रखिएगा। मुझे हमेशा बहुत ही अच्छा लगता है बच्चों वाली माओं को देखकर, क्योंकि असल तो इन्होंने नस्लों को पालना है। मेरा जो वो कहते हैं ना टारगेट ऑडियंस जो है वो मदर्स होती हैं। आपने भी सुना ही होगा जितना भी है, वो कहते हैं ना हर एक स्कूल ऑफ थॉट एंड पे बात अपनी पसंद की करता है। तो मैं जो करती हूँ वर्ण पे यही करती हूँ, अच्छी माएं बने, अच्छी बीवियां बने, अच्छी बहनें बने। तो बहरहाल मदर्स ऑलवेज वेलकम, कोई ऐसी घबराहट नहीं। अगर किसी का बच्चा रोता है तो माँ को बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। शुरू करूंगी। نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم خواتین کا رمضان یہ کیسا ہو، عورتیں رمضان میں کیا کریں، کیا صرف سموسے پکوڑے اور یہی کچھ یا پھر کچھ اور، اور کیا اگر خواتین گھر میں افطاری سحری میں کچھ وقت لگاتی ہیں تو کیا یہ گناہ؟ کیونکہ اکثر خواتین کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ گلڈ میں چلی جاتی ہیں، ہم سے تو کوئی عبادت ہی نہیں ہوئی، اور یہ کیا بیلنس ہے؟ اس کو انشاءاللہ آج پورے لیکچر کے بعد اینڈ تک ہم اس پہ پہنچیں گے۔ آج ایک چھوٹی سی کسی نے مجھے رپورٹ بھیجی، میں نے آتے ہوئے سسٹر شاہین کو بھی سنا دی، اور وہ رپورٹ تھی، میں غلط نہ کہہ دوں کیونکہ اتنا بڑا فگر ہے اور اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کسی کا دل بھی ٹوٹے، لیکن ایک انڈیا سے ایک رپورٹ تھی کہ رمضان ہیں جس کے ہم سموسے کھا جاتے ہیں۔ تو یہ تو ایک ہمارا کلچر ہے، یہ ہماری ایک ٹریڈیشن ہے، لیکن صرف کھانا پینا نہیں، یعنی رمضان کے آنے کی خوشی صرف اس لیے نہ ہو کہ ہم اس میں پکائیں گے، بلکہ یہ رمضان ہمیں جو میسج دینے آتا ہے یا جو پیغام تھا اس کو لے کر ہم انشاءاللہ اس سال کا رمضان آج سے ہی ذہنی طور پہ شروع کریں، کیونکہ جو کام آپ پوری تیاری کے ساتھ کرتے ہیں نا اس میں اور جو کام بغیر تیاری کے کرتے ہیں نا اس میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو یہ ویلکم رمضان اس کے اندر نا ڈال دیجیے گا، دونوں میں ہی لے جائیے ڈال کے لیے واپس، ٹھیک ہے؟ تو اب ہوتا کیا کہ جب کوئی کام آپ تیاری کے ساتھ کرتے ہیں تو پھر اس کی ایفیشنسی بہت ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے کلچر میں عموماً شادی کی تیاری پہلے تو میں کہتی ہوتی تھی 6 ماہ پہلے شروع ہو جاتی ہے، اب مجھے لگا ہے پتا کہ 2-2 سال لگ جاتے ہیں۔ ایک سسٹر نے اپنے بیٹے کی شادی کی انویٹیشن دی تو میں نے کہا کہ میں تو ابھی ادھر نہیں کری تھی، ابھی نہیں ہے۔ تو جب انہوں نے ٹائم دن بتایا وقت تو وہ 9 مہینے بعد کی ڈیٹ تھی،
तो मैंने कहा इतनी देर में तो एक बच्चा दुनिया में आ जाता है। कहती नहीं वो असल में मजबूरी बड़ी थी। मैंने कहा क्या मजबूरी थी? कहने लगी वो जो हॉल हमने पसंद करना था वो उस डेट को अवेलेबल नहीं था। अच्छा फिर वो जब डेट पे मिल रहा था तो फिर जो ब्यूटी पार्लर जहां से मेकअप दुल्हन का कराना है उनका अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा था, फिर वो दो मैचिंग ना हो सकी चीजें, फिर उसके बाद हमने जिनको फोटो सेशंस के लिए बुलाना और ए बी सी, और एंड पे मुत्तफिक अलग डेट जो थी वो नौमाबाद की थी। तो यहां से हमें पता चलता है कि हम कितने एक्साइटेड होते हैं, कितने खुश होते हैं अपने माशरे में ऐसी चीजों को देखते और सुनते हुए। तो इंशाल्लाह हम इसी चीज को सामने लेंगे। आइए देखते हैं कि अल्लाह ताला हमें क्या फरमाते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। आज इन्हीं खूबसूरत आयात पे हम बात करेंगे जिस पे अमूमन रमजान से पहले की जाती है। पहली बात है कि हमारा ये आज का लेक्चर आप कहां बाद में सुने, ये अभी से इसलिए बता रही हूं कि किसी भी किस्म की रिकॉर्डिंग या कोई क्लिप किसी को सुनाने की आपको जरूरत नहीं। वीडियो रिकॉर्डिंग की तो आपको तो इजाजत भी नहीं होती, लेकिन ये सिर्फ इसलिए कि इस लेक्चर को आप खुद बाद में सुनना चाहें या किसी दूसरे को सुनाना चाहें तो आपको इंशाल्लाह ताला ये हमारे यूट्यूब चैनल जिसमें नूरुल कुरान एक ही लफ्ज है, बहुत सारे लोग जानते हैं ऑफकोर्स, लेकिन मुझे ये कहना ही होता है इसलिए मैं कह रही हूं। तो नूरुल कुरान की एन यू आर यू एल यानी लफ्ज नूर में डबल ओ नहीं आता। मेरी ये बात आपको याद रह गई तो स्पेलिंग आपको आ गया है एन यू आर यू एल क्यू यू आर ए एन टी वी। इस पे ये लेक्चर इस वक्त भी लाइव आ रहा है। आप जो स्क्रीन देख रहे हैं मेरा गुमान है कि ये जूम की है। मेरे पास इसमें भी इंशाल्लाह जब मैं खोल लूंगी तो ये हमारे पास यूट्यूब की भी है। तो आप बिल्कुल पूरे शरह सदर से यकीन के साथ इधर बैठकर सुन रहे हैं कि आपको यहां इस लेक्चर का एक हिस्सेदार बनने का मौका मिला। कोई लॉलीपॉप है तो बच्चे के मुंह में डाल दीजिए बस और बैठे रहिए इधर ही। तो ये वहां आपको बाद में ये कहां मिलेगा, हमारा यूएसए ट्रिप चल रहा है 24 का, उसकी प्लेलिस्ट में ये मिलेगा आपको। यानी आप कैसे, वैसे तो भी आज ही अभी बाद में देखेंगे तो ऊपर ही होगा क्योंकि लेटेस्ट में आ रहा है, लेकिन बाद में आप इसको ढूंढना चाहें तो आप इंशाल्लाह यूएसए ट्रिप 23-24 की प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। और ऐसे बहुत सारे और लेक्चर भी वहां मौजूद हैं, आप सुनना चाहेंगे तो हम बाद में आपको उसका थोड़ा सा लिंक आउट कर देंगे। कुरान की आयत क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अब जरा आप और मैं अपने दिल दिमाग को हर फिक्र से आजाद करके इस पुकार पे कान लगाएं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, आपको मुझे अल्लाह पुकार है। कुरान पाक की कितनी आयात या अय्युहल्लज़ीना आमनू से शुरू होती हैं? सबसे ज्यादा या अय्युहल्लज़ीना आमनू किस सूरत में है? हमें यकीनन पता होगा, नहीं पता तो पता करना है हमने, क्योंकि सहाबे करम जब भी कोई आयत या अय्युहल्लज़ीना आमनू से शुरू होती भी सुनते तो और ज्यादा तवज्जो से बात सुनते। बस सहाबे करम का तो हाल ये था, नहीं बच्चों वाले लोग बच्चों को थोड़ा सा पीछे, मैंने इसके लिए बहुत प्यारी मस्जिद है ऊपर वाले हॉल में यूट्यूब से चला दें और फिर तो बच्चे भी दौड़ते रहेंगे, माएं भी खुश रहेंगी। मदर्स इधर है, हमारे एडमिन में से कोई ना कोई इंशाल्लाह उसको टैकल करेगा, क्योंकि ये पुकारे दिल पे पड़ती है ना फिर जिंदगी बदलती है। ये वही कुरान है जो आज मैं और आप पढ़ रहे हैं, जो सहाबा कराम ने पढ़ा और उनके दिल बदल गए। ये वही कुरान है कि जिसको उमर फारूक ने जब नबी से कह लीजिए कि दिल में बुग़्ज़ क्या हद से भड़के कि आपके कत्ल के इरादे से आए थे, लेकिन इसी कुरान की आवाज़ दुनिया को एक उमर दे दिया जिसने इंसानियत का रुख मोड़ दिया। आज भी आपके मुसलमानों में, हमारे मुसलमान कल्चर में तो जो हजरत उमर फारूक पॉपुलर हैं ही, आप यूरोप जाकर देखिए, और यूरोप में से भी आप बर्तानिया यानी इंग्लैंड में जाकर देखिए, आज भी यूरोप का कॉन्स्टिट्यूशन जिसको यहां के भी लोग बहुत एडमायर करते हैं कि वहां सोशल हेल्प बहुत है, फलाही रियासत उर्दू में आप बोलते हैं, वो कहते हैं कि हमने ये कॉन्सेप्ट उमर फारूक से लिया। तो हजरत उमर फारूक को कुरान मिला और या अय्युहल्लज़ीना आमनू की पुकार पे उनका दिल खुल गया। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह कुरान सुनते हैं, पढ़ते भी हैं। आज सुबह भी यकीनन आप में से बहुत सारी बहनों ने हमारे इंडो पाक कल्चर
या फिर हमारे एक बड़ों को देखने के नतीजे में कुरान का कुछ हिस्सा पढ़ा होगा। फजर की नमाज के बाद एक सफा ही पढ़ लो, हमारी नानियां कहती थी, एक रुकू ही पढ़ लो। और हमने अपने घरों में देखा कि कैसे हमारी नानियां दादियां फजर से पहले उठ जाती थी और उसके बाद फिर वो छोटी छोटी आवाजों में खुसर फुसर तहज्जुदों में रब को कुरान सुनाना, ये सब कुछ हमें दिखता था। हमारी आंख खुलती थी जब, तो उस वक्त भी हमारी नानियां दादियां और फिर माएं भी कह लीजिए उनके नक्शे कदम पे थी कि वो कुरान पढ़ रही होती थी, कोई दुआओं की बुक्स होती थी, किसी के हाथ में पंसूरा होता था, कोई सुबह उठते सूरह यासीन पढ़ता था। ये हमारी रिवायतें थी। सहाबे कराम ने इस काम को अपनी खुशी समझ कर किया। हम इंडो पाक कल्चर के लोग कुरान पढ़ते हैं ना, तो सवाब बरकत आदत और गिनते हैं कि इसको पढ़ने से इतने महल मिलेंगे, इतने मिलेंगे। ये भी बहुत अच्छी बात है, जो चीज ऑथेंटिक हदीस से मिल जाती है उसके अंदर कोई गुमान नहीं, कोई शक नहीं कि उसके अंदर ये चीज नहीं होगी। लेकिन सहाबे कराम का जो कुरान था ना, वो पता क्या था? जैसे हम कहते हैं वो बातें करें, हैव अ कप ऑफ टी विद मी, चलें कहीं बैठ के चाय पिए, बातें करेंगे। ये जो हमें अपनी दोस्तों की महफिलों में मजा आता है, जो हमारी पार्टीज का जो मोड होता है, जो चीजें हैं ना, ये सब सहाबे कराम के लिए कुरान था। उनको कुरान पढ़कर इतना मजा आता था, वो कहते थे आओ अपने रब से बातें करें। कभी कहते थे शवित नीला रबीना, मुझे मेरे रब का शौक दिलाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन पर कुरान नाजिल हो रहा है, वो एक दिन कह रहे हैं कि कोई है जो मुझे कुरान सुनाए। इब्ने मसूद से कुरान सुन रहे थे, वो रिवायत आपने दरसों में कई दफा सुनी होगी कि जब उनको सूरह निसा सुना रहे थे और एंड पे जब वो इस आयत पे आ गए कि वो क्या होगा जिस वक्त हम आपको गवाह बनाकर लाएंगे और आप अपनी उम्मत के बारे में बात करेंगे, तो अल्लाह के नबी की हिचकियां बंधी हुई थी। हमारा कुरान पढ़ते वक्त, मैं आगे पीछे की तो बात ही नहीं करी, कुरान पढ़ने के दौरान कितना रब्त होता है अल्लाह से। और इसका एक अमली इजहार नमाज। नमाज सारा कुरान ही तो है, नमाज में दुआएं तो हैं, नमाज में रब से बातें तो हैं। नमाज जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हम अल्लाह ताला के साथ कुछ मशवरे कर रहे होते हैं, कुछ उनको दे रहे होते हैं, क्योंकि या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ये लफ्ज मुझे आपको आगे जाने ही नहीं देगा। क्यों नहीं जाने देगा? इसलिए कि इसको समझ गए ना तो बाकी जिंदगी का नक्शा बदल जाएगा। आज हमारी जिंदगियों में कुरान को समझ के पढ़ना, या जैसे मैं आपसे ही पूछती हूं, और ये मेरा डेली काम है, एक दो नहीं, हर दिन जहां भी मैं किसी भी टॉक के लिए बैठती हूं तो मैं अपनी प्यारी बहनों से ये सवाल करती हूं कि जब आप कुरान सुनती हैं, कहीं भी सुनते हैं ना, आपने कल रात मगरिब मस्जिद में पढ़ी होगी, इमाम साहब ने सूरत फातिहा भी ऊंची आवाज से पढ़ी और उसके बाद उन्होंने क्या किया, कुछ हिस्सा कुरान का पढ़ा। कौन सी सूरत पढ़ी, याद है आपको? आपके मैं तो गई नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, आज से कर लीजिए, छोड़ दें पीछे को। आपके हस्बैंड और आपके बेटे और माशाल्लाह जो भी घर के मर्द मस्जिद में नमाज के लिए जाते हैं उनसे पूछिएगा, इमाम साहब ने आज नमाज में कौन सी सूरत पढ़ी थी, आज इमाम साहब ने क्या पढ़ा था, पता लग जाए तो बहुत खुशी होगी। अमूमन हाल क्या है हमारा, अल्लाह हमारे हाल पे रहम कर दे। हमें नमाज में अल्लाह तो क्या याद आएगा, अल्लाह फरमाते अकीम सलात अली जिक्री, नमाज अदा करो मेरी याद के लिए। ये जब भी मैंने आपको प्लेलिस्ट दी है ना, आपके इस लेक्चर से पीछे वाला लेक्चर जो सेकंड आपसे सेकंड लास्ट होगा, उसमें हमने कल बात की थी, इधर ही अटलांटा से ये चल रहे हैं सारे लेक्चर्स, कि जिसमें हमारा टॉपिक क्या था, बहुत दूर गए थे मेकन, तकरीबन 2 आवर 45 मिनट के बाद हम वहां पहुंचे थे, सिर्फ एक लेक्चर करने और उसके बाद रैप अप और सारी चीजों के बाद हम वापस आ गए थे, रात लेट नाइट पहुंचे घर में। सिर्फ ये ख्वाहिश है कि हमारी नमाजें जिंदा हो जाएं। तो उसमें हमारा टॉपिक ही ये था कि नमाज और कुरान, ये दो सहाबे कराम की जिंदगी का एक इतना बड़ा रुकन थे। तो सहाबियात ने पढ़ा, तो आज मुझे आपको क्या करना है, आज मैं और आप ख्वातीन का रमजान इस मौजू पे बात सुन रहे हैं, तो अपने लिए पहली चीज, अभी मैं आपको स्लाइड के साथ बहुत कुछ गोथ्रू कराऊंगी, आपको बहुत सारी टिप्स मिलेंगी इंशाल्लाह, लेकिन अभी सिर्फ लुक एट दिस आयत, या अय्युहल्लज़ीन आमनु, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, कुतिबा अलैकुम, फर्ज कर दिए गए तुम पर, क्या असियाम, रोजे,
कमा कुतिबा जैसे के फर्ज किए के अल्लज़ीना उन लोगों पे मिन कबलिकुम जो तुमसे पहले थे लअल्लकुम तत्तकून ताकि तुम मुत्तकी बनो। अब आप मुझे बताइए कि ये आयत मेरा ख्याल है आप सबको जुबानी आती होगी, ऐसी है ना? हर साल वेलकम रमजान के आप जितने भी प्रोग्राम सुनते होंगे या मेरे जैसे बोलने वाले बताने वाले बताते होंगे 98% यही आयत कोट होती है। यह आयत आपसे मुझसे क्या तकाजा करती है? हमारा एक बड़ा ही खूबसूरत सिलसिला है इंडेप्थ स्टडी का, जुमे के जुमे कल सुबह में हमारे अपने रॉजवेल के इंस्टीट्यूट में वो क्लास हुई जो हर फ्राइडे वंस अ वीक होती है, बस 3 आवर्स 10 to 1, जिसमें हम और बहुत कुछ करते हैं जिसके साथ एक इन डेप्थ तफसीर करते हैं सूरत फील। 5 आयतें उसमें, कल सेकंड क्लास थी और कल के पूरे 1 घंटा आई थिंक 1 आवर और 10 मिनट का स्लॉट होगा मेरा घुमाने, क्योंकि और भी चीजों के बीच में होता है ना, अलम तरा, सिर्फ ये 2 लफ्ज हुए, कैफा छेड़ा फिर छोड़ दिया कि इसको अगले वीक करना है और कोई बात इधर की उधर नहीं कि उधर सुनाओ और दुनिया में और सियासत जो हो रही, लोग इधर बैठते हैं और सारे शहर की खबरें सुनाकर बाद में कहते हैं अच्छा अब टाइम नहीं रहा अगले वीक क्लास का अगला हिस्सा करेंगे। एक एक लफ्ज कुरान के अंदर था, हमजा क्या होता है, कब आता है, क्या होता है, फिर यहां लम क्यों आया, लन क्यों नहीं आ गया, ला क्यों नहीं आ गया, मा क्यों नहीं आया, हल क्या है, फिर अरबी जुबान में नहीं के लिए कितने लफ्ज हैं, उस नहीं के लफ्जों में से भी यहां अलम क्यों आया है, अलन क्यों नहीं आ गया, अला क्यों नहीं आ गया, अमा क्यों, ये बातें हुई और उस वक्त हम ऐसे नुचड़ रहे होते हैं कि जैसे किसी कुएं के अंदर जाके बंदा जितना गहराई में जाए ना उतना मीठा पानी मिलता है। आज का ये जुर्म है, आज के दौर में उम्मत मुस्लिमा जिस जबों खाली से, जिस आप कह सकते हैं डिजास्टर से गुजर रही है, पानी की ये बोतल महंगी है और मुसलमान का खून सस्ता, ये पानी की बोतल आप किसी की जाकर ऐसे उठा के नहीं ला सकते, चाहे इसकी कीमत शायद 50p होगी लेकिन आपको पैसे दे के लानी है और कोई मुसलमानों की जमीनें उनकी औलादें उनके घर उनके बच्चे लेके चला जाए कोई बोल नहीं सकता। इस वक्त वी आर स्लेव्स, तारीफ गवाह है अल्लाह ने इंसानों को सीखने और सिखाने के जो मौके दिए हुए ना उनको पढ़कर देख लीजिए, तारीख गवाह है कि जिस दौर में मुसलमान इस कुरान से जुड़े, जो उन्होंने कुरान के साथ किया दुश्मनों ने वही मुसलमानों के साथ किया। वो कहते हैं ना कि वो मुअज्जज़ थे जमाने में हामिले कुरान होकर और तुम जलील हुए तारिके कुरान होकर। आज क्यों हम पीछे हैं, क्या वजह? इसलिए कि हमारा नाम मुसलमान है, इसलिए कि हमारे मर्द दाढ़ी रखते हैं, इसलिए कि हमारी औरतें पर्दा करती हैं, इसलिए कि हमें दिन में 5 बार नमाजें पढ़नी पड़ती हैं? नहीं, ये सब झूठी बातें हैं। आज के दौर में लोगों ने इस नुस्खे को समझने की कोशिश ही नहीं की कि वाई वी आर बिहाइंड, हम पीछे क्यों हैं। अभी मैंने आपको बताया कि 5 करोड़ के समोसे सिर्फ एक शहर में बिक जाते हैं रमजान में, और अभी रमजान आएगा तो आप जरा अपने इस अटलांटा को देखिए। मैं यहां अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक सो एक रमजान तो 100% गुजारी चुकी हूं, उससे पहले भी शायद कभी आई हूं जिंदगी में। इफ्तारियां देखिएगा मस्जिदों की, गिरफ्तारियां बन गई हमारी इफ्तारियां, खाने की प्लेटें देखिएगा, उन प्लेटों में बचे हुए खाने को बड़े बड़े काले सैक्स में फेंकते डंप होते देखिएगा, ये पानी की एक बोतल को सिप लिया और उसके बाद टेबलों पर रखी और दूसरे फिर डिनर के वक्त में दूसरी बोतलें लेता देखा करें, और बाद में फिर ये मस्जिदों वाले बेचारे जब रैप अप कर रहे होते हैं तो समझ नहीं आ रहा होता कि ये पानी हम पिए के फेंके, क्योंकि हम मुसलमान तो अब एक दूसरे का पीते ही नहीं जुटा। दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान मोहम्मद मुस्तफा मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबका बचा हुआ दूध पीता है। आपने हदीस सुनी होगी जब अबू हुरैरा को भूख लगी थी तो, और जब बाहर निकले और उस वक्त उनको कुछ खाने को नहीं मिला और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको अपने साथ ले गए, और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ गए तो वहां एक दूध का प्याला आया, किसी ने दूध का एक प्याला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफतन भेजा। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैं इतना भूखा था उस वक्त कि मेरा दिल किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कहते हैं कि अबू हुरैरा ये सारा दूध तुम पी लो, लेकिन अल्लाह के नबी ने तो मेरा इम्तिहान ही ले लिया, कहा जाओ साहबे सुफा को बुला के लाओ।
कहने लगे कि मैं एक दूध का प्याला और असहाबे सुफा ये प्याला अगर दूध का पी लेंगे तो मुझे क्या मिलेगा। लेकिन अतीउल्लाह व अतीउर रसूल की अमली तस्वीर थे असहाबे कराम, किस में गुंजाइश किस में मजाल कि नबी कुछ कहे और सहाबा न माने। गए और बुलाकर ले आए, 60-70 लोग आके ऐसे मस्जिद में बैठ गए जैसे आज आप बैठे होंगे। आपने कहा अबू हुरैरा उठिए ये दूध इधर से सीधे हाथ से पिलाना शुरू करें, एक और इम्तिहान। देखिए अब इश्क के इम्तिहान और भी हैं, ये बात सहाबा पे साबित होती है। कोई जुरत नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता, और अल्लाह के नबी ने कह दिया तो उठे। और अबू हुरैरा ने जब इधर से पिलाना शुरू किया तो दिल में था कि इतनों के बाद मेरे लिए क्या बचना है, लेकिन अल्लाह ने मौजजा दिखा दिया नबी सल्लम के मौजजात में से जो अल्लाह की तरफ से उनको मिले कि सहाबी ने दूध पी लिया, प्याला फिर भरा हुआ, दूसरे ने, तीसरे ने, 60-70 लोग दूध पी गए और एंड पे दूध का प्याला भरेगा भरा। हम तो उस नबी की उम्मत है जिसकी बरकतों से तो बीबी हलीमा सादिया का आंगन महक। हम तो वो नबी की उम्मत है कि जो अभी बचपन में अभी हलीमा सादिया है तो उनकी फर्राट, वो जो लागर ऊंटनी थी वो फर्राटे भरने लगी। सुना होगा आपने सीरत के किस्से, रबी अव्वल में बड़े मिलाद होते हैं, हम झूम झूम के घूम घूम कैसी बातें सुनते सुनाते हैं कि कैसे वो शख्स जिसको अल्लाह ने यतीमी की हालत में पैदा किया, और अरबों का कल्चर था कि बच्चों को शहरों की आजाद देहाती औरतों से दूध पिलवाते थे क्योंकि ऐसी औरतें जिस्मानी तौर पर स्ट्रांग होती हैं, और वैसे भी एक बच्चा अपनी माँ से तो ले चुका होता है ना कुछ चीजें, तो जब दूसरी औरत का दूध पीता है तो वो उसकी भी खूबियां लेता। आम बात थी, आज ये हमारी तो सुन्नत ही खत्म हो गई, आज हम दूसरे के जूठा पानी नहीं पीते। नबी इतने और लोगों का जूठा दूध बाद में अबू हुरैरा को कहते हैं बाप पीजिए, कहते सिर्फ मैं रह गया और नबी सल्लम रह गए, तो आपने कहा अबू हुरैरा आप पीजिए। अब पीने लगे, पी लिया, कहा और पीजिए, फिर पी लिया और पीजिए, कहते इतना दूध पी लिया कि मैंने कहा अल्लाह के नबी अब तो मेरे नाखनों में से दूध निकलेगा, और फिर सबका बचा हुआ दूध मोहम्मद मुस्तफा मुज्तबा जो सारी दुनिया के सरदार, जो अंबिया के सरदार जिनको अल्लाह ने इस दुनिया में भेजा उन्होंने पी लिया, उनको नहीं जरासीम लगे, उन्होंने नहीं लोगों की कैविटीज देखी कि इनके दांत गंदे हैं इनकी कैविटीज हैं, उन्होंने नहीं कहा कि जूठा पीने से बीमार हो जाओगे, अपना ही नहीं हम पीते दूसरे का कहां पिएंगे। आज माँ बाप बच्चों का नहीं पीते, बच्चे माँ बाप का नहीं पीते, शौहर बीवी नहीं पीते एक ग्लास में पानी। याद रखिए इस्लाम इज अ कंप्लीट वे ऑफ लिविंग। ये मस्जिद इधर नमाज पढ़ते हुए तो आप पूछेंगे किबला किधर है, नहीं नहीं इधर पढ़ लिया, ओहो नहीं इधर नहीं था, इंचों से नाप 3 इंच टेप हाथ में पकड़ के किबला, फर्जों पे बैसे, सुन्नतों पे बैस रहे, सुन्नत मौकेदा पे बैसे, नमाज में हाथ कहाँ बांधे वहां बैसे, हाथ जोड़े के नहीं हाथ उठाएं के बैसे, औरत की नमाज मर्द की नमाज का फर्क, बैस बैस बैस, ये सब नमाज तक। उसके बाद जो ही जायनमाज लपेटते हैं हमारी जिंदगी और गैर मुस्लिमों की जिंदगियों में क्या फर्क है, हमारी शादियों और गैर मुस्लिमों की शादियों में क्या फर्क है, हमारे जीने के मकसद और उनके जीने के मकसद में क्या फर्क है। अगर सुबह के घंटों में ट्रैफिक जैम होता है तो उस वक्त पे होता है ना जब सबकी गाड़ियां निकलती हैं, मर्द दफ्तरों में जाने के लिए और बच्चे स्कूलों में जाने के लिए जल्दी में, ये ट्रैफिक ब्लॉक फजर पे क्यों नहीं हुआ। इतने मुसलमान एक नेबरहुड में रहते हो तो मस्जिद में फजर में 10, 5, 15 साहब नमाजी, वही फारसी हम का नाम जानते हैं, और वहां अल्हम्दुलिल्लाह फिर एक पौधा लगा, वो जिन्होंने पूरा महीना रोज का बस एक पारा, और आप खुद जानते हैं कि एक पारा जब आपने 2.5 घंटे में देना है तो उसमें कितनी को डिटेल होंगी, बस ये तर्जमे और तर्जमे के साथ की चीजें चलती थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने वहां से ऐसा पौधा शुरू लगाया, 2 साल के अंदर अल्लाह ने हमें उसी बिल्डिंग के सामने अपनी बिल्डिंग दे दी। आज हम वहां 3 मंजिल की एक बड़ी प्यारी साफ, बहुत बड़ी भी नहीं बहुत छोटी, ऐसी ही होगी जैसे ये मस्जिद है या मैं भी से छोटी हो थोड़ी, तो वहां पे क्लासेस हो रही हैं, वो उनका सदका जा रही है जो उसमें शुरू हुए, फिर वीकेंड पे बच्चियों का कोर्स शुरू हो गया, वीकडेज में सिस्टर्स का उर्दू में सुबह में होता था, यानी एक्टिविटीज चलने लग गई। इस साल हम
अल्लाह की तौफीक और रहमत से ये बजाय इसके कि सब वहीं पहुंचे, हम आप सबको पूरे शहर में हो रहा है और हमारा टारगेट है कि एटलीस्ट 20 स्टेशंस हमने हर शहर में बनाने, और हमारी ये कंपेन सिर्फ अटलांटा तक नहीं है, जॉर्जिया तक नहीं, यूएसए तक नहीं, इंटरनेशनल दावत है, क्योंकि या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस बियॉन्ड द बैरियर जो होते हैं ना, ये दावत है। अल्लाह ने कुरान में ये नहीं कहा या अय्युहल अरबी ए अरबियो, या अय्युहल अजमीयुन, या अय्युहल पाकिस्तानियो, या अय्युहल इंडियन, या अय्युहल बंगालीस, नो। हम कहते हैं ये बंगालियों की मस्जिद, ये सीरियंस की मस्जिद, ये पाकिस्तानियों की मस्जिद, ये उनकी, ये इनकी। कुरान नहीं कहता, कुरान की पुकार एक ही है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ऐ वो लोगो जो ईमान लायो, शुक्र कीजिए आप और मैं ईमान वाले हैं। इस साल जो मैं आपको खुश करने के लिए बता रही हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप खुश होंगे, हर साल एक थीम रखते हैं हम लोग, जिस थीम का मतलब क्या होता है कि तर्जमा तो पूरे कुरान का वही होता है, जो उसकी मुख्तलिफ यानी वजाहत है ना, उसको हम करते हैं किसी थीम के अंडर। जैसे लास्ट ईयर जो अभी पिछला इससे कराची में किया हमने अल्लाह की तौफीक से, उसका टॉपिक था रदी अल्लाह अन्हु व रदुअन सहाबा कराम। पूरा कुरान सहाबा कराम की खूबियों से भरा हुआ था कि कैसे अल्लाह ताला ने उनको चुना। उससे पिछला पेरिस से हुआ था दुआ, उससे पीछे जाते हैं कुरान की दिल की किस्में। इस साल जो आपके मेरे इंटरेस्ट की चीज है वो क्या है, फेथ इन एक्शन, आमनु वामिलु सालिहात। दैट इज द प्रॉब्लम, नसरुम मिनल्लाहि व फतहुन करीम, फतहुन करीब, अल्लाह का ये वादा है कि अल्लाह की मदद बड़ी करीब है, लेकिन शर्त क्या है, अंतुमुला लौना इन कुंतुम मोमिनीन। आज 24, आज दिन भी डेट भी बता देती हूँ आपको, 27 जनवरी सैटरडे का दिन है, 12:48 है लोकल टाइम के मुताबिक अटलांटा में। हम इतनी प्यारी मस्जिद में, मस्जिद सुफा में बैठे हैं, हमारी बहुत अजीज सिस्टर्स ने ये प्रोग्राम अरेंज किया है। आप अपने घर में जाहिर कुछ ना कुछ चेंजेस करके आए ना, ताकि आप अपने घर वालों को टैकल करें, तो फिर आज यहां से ये चीज लेके जाइएगा। इस साल दौरे कुरान में 30 दिन, बल्कि 2 दिन ऊपर हम करते होते हैं, ताकि पहला पारा भी आधा हो, पहला पारा 2 दिन में होता है, और इसी तरह से दूसरा पारा भी, यानी आखिरी पारे को भी हम 2 दिन में इसलिए करते हैं कि उसका ड्यू हक दिया जाए। आप कहते हैं ना शुरू एंड पे एडजस्टमेंट्स होती हैं, तो 32 डेज हैं इंशाल्लाह, आज 27 है ना, पूरा एक महीना रह गया, 26 फरवरी से पहला पारा शुरू हो रहा है, उससे पीछे भी प्रोग्राम्स है, प्रेप सेमेस्टर होता है, जादुल खैर, ये सारी चीजें आपको एंड पे दिखा सकते हैं हम लोग, लेकिन मैं सिर्फ आपको एक शौक उभार रही हूँ कि वो दौरे कुरान हम इस साल या अय्युहल्लज़ीना आमनु के थीम पे करें। आपका मेरा आज का सबसे बड़ा करने का काम क्या है कि लोगों को इस ईमान की तरफ बुलाइए जो सहाबा का था, वो पैगाम जो सहाबा कराम के जरिए अल्लाह ने दुनिया में भेजा था, आज हम उससे दूर हैं। माफ कीजिएगा, मैं कोई मीठी मीठी बातें नहीं करती, कड़वी बातें करती हूँ, सीधी सच्ची बातें करती हूँ, कड़वी नहीं करती। मैं आपको फजाइल बताऊं, मैं वजायफ बताऊं, मैं रमजान के पहले अशरे में बरकत है, दूसरे में रहमत है, अच्छा ये कर लो वो कर लो, आप बहुत मुझसे खुश होंगे, शायद मुझे आप दोबारा भी कहें कि एक दफा दर्स और दे दीजिए। बट मैं उस डॉक्टर की तरह नहीं हूं कि जो मीठी गोलियां बांट दे कि मरीज खुश रहे, मैं उसमें हूं कि जिसको शायद ने कहा ना कि जहर भी करता है कभी कार्य तरिया की, चमन में मेरी तल्ख नवाई गवारा कर। यानी अपने बच्चों को भी आप यही बातें दिन रात कह रहे होते हैं कि मैं जो तुम्हें कह रहा हूं उसको सुन लो, मान लो, कभी याद करोगे। हमारे बड़े नहीं कहते थे कि बड़े की बात और आंवले के अचार का या मुरब्बे का फायदा बुढ़ापे में मिलता है, माँ का दूध बुढ़ापे में दिखता है। ये दौर इस वक्त आज 9 अडेल, चाहे गजा की जंग है, चाहे अब यमन में लग गई, इससे पिछले साल में सीरिया में थी, उससे पीछे बर्मा में थी, उससे जिधर मर्जी चले जाइए, ये तो मैं वो कह रही हूँ ना जो मुसलमानों को अपेरेंटली ओप्रेस किया जा रहा है, ये जो हम दिन रात उनसे मरूब हैं, ये जो सुबह शाम हमारी जिंदगी का सर्कल भी उसी चीज के गिर्द घूम रहा है जिसमें दूसरों का घूम रहा है, उसकी वजह क्या है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु। बस एक लफ्जी बात रह गई, ये पुकार दिल पे नहीं जाती। आप अपने बच्चे को बुलाएं,
आयशा आयशा बैठी और सुन ही नहीं रही, या मां बैठ गए थे जी, फिर आप बुलाती हैं आयशा जी मॉम, उठ के पास नहीं आ रही। पहला स्टेप, हमारे बड़े इसको पता क्या कहते थे, दूर बैठा बच्चा बाप या दादे नाने को आवाज दो जी जी अबू, तो कहते थे इसे जी को आग लगानी है, पास आके बात करो। बच्चों को दूर से बात नहीं करते, बड़ों को कहते थे ना। हम आसमानों से आई पुकार या आई अल्लज़ीना आमनू के जवाब में क्या कहते हैं, जी भी नहीं कहते। मस्त बैठा रहे आपका बच्चा, आप करें अब्दुल्ला, अब्दुल्ला साहब सुन ही नहीं रहे, आपको तो गुस्सा आ जाएगा। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला कह रहे हैं, फिर उनको लगा कि मां कुछ के, यस मॉम, पांव पटकता हुआ आ भी गया। अब जब आपके पास आ गया तो आप कहते हैं ओके गिव मी सम वाटर, तो अब्दुल्ला साहब खड़े हैं और बहस कर रहे हैं, फर्ज मॉम इज इट कंपल्सरी डेफिनेट, अच्छा ओके मॉम इफ आई वाटर देन यू डू। आपने थप्पड़ मारना है, अगर इस मुल्क में तो नहीं मार सकते, इंडिया पाकिस्तान में होते आपने थप्पड़ मारना था, इधर आ मैं तुझे बताती हूँ ये फर्ज होता है कि सुन्नत होता है। वो कहेगा मॉम व्हाई यू बिकमिंग सो मैड, क्या हुआ, मैंने पानी नहीं दिया ना, इट वॉज नॉट अ बिग थिंग। तो आप कहेंगे बेटा पानी देना ना देना नहीं, वो तो छोटी चीज है, पर मैं तो तुम्हारी बड़ी हूं। जब कोई बड़ा बुलाए और आप ना आए, वो मना करे और आप ना रुके, वो कहे बोलो तो तुम ना बोलो, तो गुस्सा आता है अगले को। आउट ऑफ डिसरिस्पेक्ट इस चीज को लिया जाता है कि ये तो तुम्हारे अंदर एरोगेंस है। यकीन कीजिए कि आज हम जिस दौर से गुजरे हैं, हमारी यंग बच्चे और बच्चियां, उनको हमने अभी यहाल्लाना आमनू की वो रू नहीं दी। शाहीन से कह के अपने से मुझे जोड़ दे, बंद हो गया वैजून, वो अपना मुझे दे दे, इनका नेट नहीं काम कर रहा, ठीक है कोई भी करना चाहे तो कर ले, वायरल प्रॉब्लम है। अच्छा अब आप कहते हैं कि या अय्युहल लज़ीना आमनू, इसकी तस्वीर करते हैं, या अय्युहल लज़ीना आमनू, या अय्युहल लज़ीना आमनू, या अय्युहल लज़ीना आमनू, कितनी दफा पढ़ू। अच्छा इसका कोई वजीफा है, अच्छा अगर मैं या अय्युहल लज़ीना आमनू पढ़ू तो मेरी बेटी का रिश्ता हो जाएगा। आज हमारा मिजाज कुरान पढ़ने में ये भी है, वजीफों वाला कुरान, वो क्या है, बच्चे का रिश्ता नहीं हो रहा, कोई आयत बताएंगे आप कुरान की, मेरी मियां जॉब चली गई, कुछ बताएंगे आप इसके बारे में। आप यकीन कीजिए 13 साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज इन मक्का, 13 ईयर्स प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज इन मक्का, और उस मक्का के दिनों में जितनी मुखालफत आपके अपनों ने की, प्यारों ने की, जरा आपके चचा के बेटे थे, फूफो के बेटे थे, दयाल था आपका सारा, वो किस बात पे थी, सिर्फ ये कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह दो और उसके बाद खुश हो जाओ। देखिए अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते कि लोगों मेरे पर एक कुरान उतरा है, उसकी फुलां आए तुम पढ़ लो तो तुम्हारे ऊपर इसके दरवाजे खुल जाएंगे, और अगर उसकी फुला आए तुम एक टांग पे खड़े होके पढ़ लो तो तुम्हें घर कुदरती तौर पे बगैर पैसों के मिल जाएगा, और ये पढ़ लो तो तुम्हारा बच्चा डॉक्टर बन जाएगा। मैं सोचती हूँ कि उन मक्का वाले कोई ना समझते क्या, वो अल्लाह के नबी सल्लम की मुखालफत करते, सवाल ही नहीं पैदा होता। वो तो अगर ऐसा कुरान नबी पढ़ते, काबा की आप तस्वर में ना, खाना काबा की दीवार है, अल्लाह के नबी उधर एक नीचे छोटा सा कपड़ा या गद्दा बिछा के बैठ जाते, तो फिर वहां बैठते लोगों ये आयत पढ़ लो तो ये होगा, ये पढ़ लो तो ये होगा, तो क्या अल्लाह के नबी की मुखालफत होनी थी, दुश्मनी होनी थी लोगों ने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे लोगों ने पानी की बोतलें रख देनी थी कि एक भूख इधर भी मार दे, कुछ गुठलियां ला के रख देते कि जरा अल्लाह के नबी आप इन गुठलियों पे कुछ पढ़ दीजिए, ये है और वो है। आज हम मुसलमान कुरान के साथ क्या कर रहे हैं, खिलवाड़, खेल मजाक। किसी के पास तोप हो दुश्मन को मारने के लिए और वो उससे मक्खियां मारने लग जाए, ये तोप पे भी जुल्म है तो ये मक्खी पे भी जुल्म है। वो मक्खी तो एक हाथ मारने से मर जानी थी, लेकिन हमने क्या किया, हम सब इसको अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे पास कुरान वो चीज है
उतर कर हिरा से सुए हरम वो आया। कौन? वो कहते वो बिजली का कड़का था या सौते हादी, दुनिया जिसने हिला दी, मौलाना अली की पूरी रुबाई है। मैन हुशोक दार्थ, अल्लाह के नबी भी वही थे, कुरान भी वही था, वही है आज हमारे पास। लेकिन आज वो नबी की उम्मत जिसके बारे में किसी ने कहा कि खास है तरकीब में कौमे रसूले हाशमी, तुम और मैं आम, हम तुम आप सब, तुम लोग आम एक लोग नहीं हो। कुरान कहता है वकजा अली का जाल ना कुम उम्मतों वसता ली तकून शुहदा लन्नास, तुम्हें तो मैंने उम्मत वसत बनाया था। वसत क्या होता है? ये देखे मेरे हाथों को, और तुम्हें हम कहते हैं वास्ता, वसीला, जोड़ने वाली। हम वसीले वाली कौम है। वसल फसल, उर्दू में बोलते हैं ना, फसल की रात और वसल की विसाले, सनम नबी का विसाल हुआ, उसको समझिए। आप और मैं, हम सब जो इस वक्त 24 के इस साल में जनवरी 27 को यहां बैठकर एक लेक्चर सुनने आए हैं, बाहर बारिश भी हो रही है, छुट्टी का भी दिन है, आप हो सकता है शाम को आपने किसी जगह दावत में भी जाना हो, तो क्यों आए हम? क्या करेंगे इधर बैठकर? यहां से क्या सुनकर जाएंगे? ये सुनकर जाएंगे कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये सहाबा कराम के दिलों पर क्या असर डालता था और आज हमारे दिलों पे क्या डाल रहा है। आज हम मुसलमान खत्म पे खत्म करते हैं, कोई फौत हो जाए ना तो 3-4 कुरान तो आम बात है। आप जो सिस्टर्स बैठी है ना, आने के बाद मैंने अगर आपको एक एक सपारा दे दिया होता, बड़े आराम से आपने एक कुरान भी पकड़ के पूरा कर चुकी होती, आधे घंटे में एक कुरान, एक एक सपारा, एक एक बहन पढ़े। चले आपको एज्यूम कर लेते हैं आप 30 सिस्टर हैं, तो एक कुरान, चले एक और ना पढ़ लें, और 1.5 घंटे में 3 कुरान पढ़ के लंबी सी दुआ करके हम चले जाएंगे यहां से बड़े खुश। माशाल्लाह, फलां साहब के मरहूम के इस साल इस सवाब पे 10 कुरान बख्शे, एक तीसरे दिन भी बख्श लेंगे आके कुरान तीजे पे, फिर जुमेरात को आएंगे तो 2-3 कुरान उससे पढ़ेंगे, फिर एक सवा महीना गुजरेगा 40वें पे आके 2-3 कुरान पढ़ेंगे, फिर एक साल बाद लंबा सा खाना देगों एक समेत खिलाएंगे और बरसी करेंगे। ये हो रहा है इस उम्मत के साथ आज। क्या अल्लाह खुश हो गया आपसे मुझसे? आप फील कर सकते हैं कि आपको इस वक्त उम्मत मुस्लिमा के हालात को देखिए अगर, तो क्या आपको लगता है कि अल्लाह हमसे खुश है? नहीं खुश। ये तो कितना माँ का मूड खराब होता है एक बच्चे की वजह से, सारे दुबक जाते हैं। अब्बा को गुस्सा आ जाए किसी बात पे तो बच्चे, तो बच्चे बेगम भी परेशान होती है कि अब ये कुछ मेरे पे ना बरस जाए। हमें इंसानों का गुस्सा दिखता है, हमें रब का गुस्सा नहीं दिखता। रहमतें हैं तेरी अगियार के कशानों पे, बर्क गिरती है बेचारे मुसलमानों पे। आज से तकरीबन एक सदी पहले अलामा इकबाल कह गए, आज के दौर में अलामा इकबाल होते उनको ब्रेन हैमरेज हो चुका होता, उनका हार्ट अटैक हो के साथ वो बिस्तर पे बेड रिडन हो चुके होते, और वो जो कहा करते थे कि देखा है जो मैंने वो औरों को दिखला दे, तो उनके अंदर से जो दर्द उबलना था। ये मेरी बातें तो आपको बड़ी मीठी लगती उनकी बातों के आगे। आज भी हर साहिब दर्द रो रहा है। मैं आपको सच कहती हूँ, डॉक्टर इसरार को बहुत सारे लोग सुनते होंगे, अल्लाह उन पर अपनी रहमतें करे। मेरा कोई पर्सनली उनसे कोई एफिलिएशन नहीं है, लेकिन मल्लम यशकुर इन्नास लम यशकुर इल्ला, जो किसी अच्छे बंदे की अच्छाई का इकरार नहीं करता उससे भी ज्यादा बदनसीब कोई होगा। आज से 20 साल पीछे वो जो बातें कह गए आज आपको दिख रही हैं। आज मैंने एक आलिम है, नाम मुझे खुद भी उनका नहीं पता होता, और वो इतने बारिश व्हाइट बियर्ड है उनकी, और नपी तुली बात करते हैं कि उनकी आवाज को सुनकर भी और देखकर भी लग रहा होता है कि वाकई एक सदी 70-80-90 साल के करीब तो वो होंगे। कोई लच्छेदार अंदाज भी नहीं है, मीठा मीठा सीधी बात करते हैं। तो मैंने, अगर आप कहेंगे तो मैं आप उनका लिंक भी दे दूंगी। उन्होंने कहा आपको पता है कि ये जो आपके फोन्स में रिंग टोन्स आ रही हैं, कुछ होती है ना बाय डिफॉल्ट, कुछ तो हम डालते हैं, आप ये फोन अगर बेल बजेगा तो जिसके पास भी ये फोन है अक्सर वही होता है, फिर बाद में हम लोग चेंज कर लें तुम्हारी मर्जी है। उन्होंने 2 रिंग टोन्स उनका एनालिसिस करके दिखाया कि जो बाय डिफॉल्ट आपकी नस्लों के हाथों में फोन है ना, ये रिंग टोन है, तो इसके अंदर 2 मैसेज थे, और अल्लाह नोज दी बहस के शैतान का एजेंडा कहां जाके खत्म होगा। पहला जो था ना,
उसका कहता किल योर मॉम, किल योर फादर, किल योर मॉम, किल योर फादर. आपको तक कि बैक ट्रैक करता है. ये जो मेरी बात अभी रिकॉर्ड हो रही है इस वक्त ना, तो इसमें वेव्स बनती हैं, ऐसे चलता है हमारा रिकॉर्डर. आप इसको बंद कर दें, पहले दौर का वो ग्रामोफोन याद करें, उसमें बैकवर्ड भी चलता था. तो जब बैक ट्रैकिंग क्या होती है कि मेरी इस आवाज को आप पलट के ऐसे बैक ट्रैक लाएंगे ना, तो कुछ और साउंड्स आती हैं. कुरान में अल्लाह ने शैतान के बारे में कह दिया कि आप इन लोगों को अपनी आवाजों से और अपनी चीजों से बेकार है. तो उन्होंने वो रिंग टोन्स में से जो दो मुख्तलिफ थी, पहली का खुलासा कहता किल योर सेल्फ, किल 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 था उसमें. और उन्होंने बताया कि जिस बच्चे का ये फोन था जो रिंग टोन थी, तो एक दिन उसने उठकर तो अपने आप को किल किया. ये सारी एनालिसिस हैं, ये मैं आपको से बीच क्या थी, यदि बात सुना रही, हो सकता कहीं आपके माइंड में गैप्स रहते हैं तो ज्यादा न सोचिए. और जो दूसरी रिंग टोन थी वो तो मैं यहां बैठ के बताती ना अगर आपका फायदा ना होता. सिर्फ ये बताने लगी हूं कि आज की खातून को कितनी जरूरत है कुरान को लेकर आगे निकलने की. और वो क्या था, रेप योर सिस्टर, रेप योर मदर. अपनी मां से जिना करो, अपनी बहन से जिना करो. आपको तो खामोश मैसेजेस हैं हमारे जहनों में. हम जो सुनते हैं ना वही बोलते हैं, और जो सुनता नहीं है ना वो बोलता नहीं. हमारे साथियों में किसी का बच्चा था, तो वो पता चला, डिस्कवर हुआ कि नहीं बोलता. बोलता क्यों नहीं है, क्योंकि सुनता नहीं है. अब डॉक्टर्स उसको कुछ इंस्ट्रूमेंट्स दे के उसके अंदर कुछ चीजें लगाकर उसको सुनवा रहे हैं, और जो ही वो आवाजें आने लगी अब वो बोलना शुरू हो रहा है. तो मैं सोच रही थी हम इतना सुन रहे हैं तो हम कब बोलेंगे, सुन सुन के सुन तो नहीं हो गए. सहाबे किराम याय्युल्लज़ीन आमनू की पुकार सुन के चुप नहीं रहे, हम सुनोगे. कुरान की फरियाद हमने सुनी है, किस मजलिस में, किस महफिल में, धूम नहीं क्या नहीं. तो इस वक्त जरूरत है इस बात की, इस कुरान को हम किया जाए. मेरा मकसद आपको डराना नहीं है, आपको परेशान करना नहीं है. आज की नस्ल पहली बड़ी परेशान है. आज सुसाइड रेट है, आज डिप्रेशन है हमारी नस्लों में, आज स्ट्रेस है. सहाबा को क्यों नहीं हुआ, बदर में स्ट्रेस नहीं हुआ, ओहद में डिप्रेशन में नहीं गए, अहजाब में तो बेखुनी पे आगे जड़ों से खत्म करेंगे मुसलमानों को. सहाबा को कुछ डिप्रेशन नहीं हुआ. सर से पांव तक जख्मों में चूर नबी, ताइफ के मैदान से जब आते हैं जूतियों में खून चिपका हुआ है, डिप्रेशन नहीं हुआ. आज आपके बच्चे खुश क्यों नहीं है, उनको पता ही नहीं है. फेथ इन एक्शन का मतलब, फेथ इन एक्शन इज इक्वल टू नसरु मिन अल्लाह व फतहुन करीब. इस साल हमने सिर्फ इस बारे को इस पे लेना है, पूरे कुरान के अंदर से जुमेंगे. मैं आपको भी दावत दूंगी. मुझे नहीं पता इस मस्जिद को कौन टेक केयर करता है, किसके थ्रू आप आए हैं, आप ही खुद हैं, कोई आप में से इधर बोर्ड में है, या इमाम साहब की बीवी है, या बहन है, वट एवर. मेरा एक जनरल मैसेज है, आपको अगर रोजवे लाना मुश्किल लग रहा है, हमारा इंस्टीट्यूट दूर है, अगर आपको, हमारे पास और भी स्टेशन दो तीन है, सवानी मुसल्ले के ऊपर हमारा कंफर्म हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, घरों में हो रहा है और जगहों पे बातचीत चल रही, आप इस मस्जिद वालों को पूछ लें इससे प्यारा पैगाम और इससे प्यारा माहौल क्या होगा. ऐसे ही होगा, आप कहेंगे क्या होगा, आपके साथ यही होगा. सादा जो घर में आपके कुरान है, जिसे आप रोल पढ़ती हैं, तर्जमे अल्लाह लाना है, इंग्लिश का लाना है, उर्दू का वो आप ले आएंगे ऐसे. बल्कि आपको मैं रिक्वेस्ट भी करूंगी कि आपको और अगर फैसिलिटेट करते मस्जिद वाले, आगे टेबल रखवा देंगे. यही स्क्रीन होगी, यही माइक होगा. सिर्फ आपको मेरी शक्ल नहीं दिखेगी, लेकिन मेरी जगह हमारे एडमिन में से कोई बैठा होगा. आप में से कोई इधर सिस्टर है माशाल्लाह जो पढ़ती हैं, पढ़ाती हैं, कोई और इधर ग्रुप काम करता है, कोई इधर हमारे माशाल्लाह और बड़े मुस्लिम ग्रुप्स हैं, उनके से मिला दें, उन्हीं के से मिलकर कर लेते हैं, आप करिए. और ये होगा किस टाइम पे, एग्जैक्टली अल्लाह की तौफीक से 10:30 AM से लेकर 1 o'clock, ढाई घंटे. 26 फरवरी का लफ्ज याद रख लीजिए, उस दिन डे वन है पहले पारे का. उससे पीछे जो वीकेंड है, जुमा, हफ्ता, इतवार, उन तीनों में हमने डिफरेंट जगहों पे वो रखे हैं वेलकम रमजान के प्रोग्राम, जैसे आज यहां हुआ है. हमारी जितनी स्टेशंस बन रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि उधर भी जाकर उन दिनों में से किसी को फैसिलिटेट करें. आप कहते हैं हमारी इस मस्जिद में करें, और हम लोगों को वेलकम रमजान के लिए बुला लेंगे. वो आई मी सिस्टर्स है माशाल्लाह, इधर आप उनसे लेकर डेट ले लीजिए. डेट पूरा दिन नहीं भी मिलेगा, कोई बीच में से एक घंटा निकाल के आपको दे सकते हैं. अपने लोगों को बुलाएं, इसका अलग फ्लायर बनेगा, आपकी मस्जिद के नाम से बनेगा, आप लोग खुद उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. एक भी हमारे रोजवेल इंस्टीट्यूट में ना, आई डोंट माइंड. आप कहते हम घर से ही सुन लेंगे, घर से ऐसे तो नहीं सुन सकते जैसे आज सुन रहे हैं. एक बरकत होती है, फरिश्ते उतरते हैं, मस्जिद की भी एक बरकत होती है. इसीलिए मैं मस्जिद को चूज करती हूं,
और उम्मीद है कि मैं इन पर्सन सवानी मसल्ले से करूंगी। अभी 100% श्योर नहीं बता रही, डिपेंड ऑन द सिचुएशंस जो भी होंगे। असल तो कुरान को फैलाना है ना, तो इस वक्त आज यहां ये नियत कीजिए कि हमने इस कुरान को लेकर उठना है और इसको पूरी दुनिया में फैलाना है, वरना हमारे रोजे भी अल्लाह को खुश नहीं करेंगे। माफ कीजिए, हमारी इफ्तारियां, हमारे उम्रे रमजान के $10,000 का एक उम्रा, थोड़े केयर क्या है अभी फरवरी में, थोड़ी दुनिया ये जो पीछे गुजरा है, सॉरी नवंबर दिसंबर, मेरा ख्याल है अमेरिका की 1/10 पॉपुलेशन मुसलमानों की ने तो उम्रा कर लिया। पूरी दुनिया को मैं देख रही हूं ना, जिधर जिधर साथी हैं, ये पिछले 2 माह के अंदर मैक्सिमम लोग उम्रा करके आए हैं, और अकेले नहीं गए, फैमिलीज को लेकर गए। एक एवरेज पैकेज भी आप लेंगे तो मेरा गुमान है $20,000-25,000 से ज्यादा लगा होगा लोगों का, जो 2-3 लोगों को साथ लेकर गए। तो क्या होगा, चेंज आ गया? आज वो भी दौर आना था। आपका बच्चा मस्जिद यहां तो छोड़ दीजिए, हरम में जाता है और महरम में कदम रखे बगैर वापस आता है। उमरा तो दूर की बात है, हरम की एक नमाज उस बच्चे ने नहीं पढ़ी। क्यों? कहते आई एम नॉट मुस्लिम, आई एम हियर फॉर फन, हलाल मैकडोनल्ड, हलाल फुलां, कैंटकी, ये वो, एबीसी इज गुड, होटल्स आर वेरी गुड, मॉल्स आर गुड, फूड इज गुड। आप दरवाजे पर गए, प्यासे आ गए। वो कहते हैं ना कि समंदर तेरे पास आकर कोई प्यास का भरम क्या रखेगा, तेरे पास से प्यासा जा रहा हूं, कोई रखे तो सही बकारे तिश्नगी, क्योंकि समंदर के पानी में नमक होता है, एक कतरा आपकी प्यास नहीं बुझाता। आज हमारी नस्लें उस एज पे आ गई हैं, दे आर लिविंग इस्लाम, एक्स मुस्लिम्स। आपके मुआशरे में बच्चियां वो पार्टीज अरेंज करती हैं, मैं गवाही दे सकती हूं, मुझे किसी को नहीं कुछ कहना, लेकिन जो बात कह रही हूं पूरी जिम्मेदारी से कह रही हूं। एक पार्टी रखी एक बच्ची ने, मुसलमान बच्ची, सरप्राइज पार्टी है, आई विल शेयर आ सरप्राइज एट द एंड ऑफ पार्टी। सहेलियां दोस्तें पहुंच गई कि पता नहीं क्या सरप्राइज होना है आज, सब एज्यूम भी करते हैं, खिला पिला के इकट्ठा करके सबको जमा करके माइक पे कह दिया, आई वॉन्ट टू डिक्लेयर आई एम नॉट मुस्लिम नाउ। तो पहले तुम किसी और से सुनो, मैं तुम्हें खुद ही बताती, इट हैपेंड। और ये उन लोगों के साथ नहीं हुआ कि जो बच्चे माँ बाप मस्जिदों से या कह लीजिए कि नमाज रोजे से दूर थे, सारा कुछ हो रहा है। रूह नहीं, हमारी तो मस्जिदों में रूह नहीं रही, हमारे तो मस्जिदों चलाने वालों के बीच में इतने इख्तलाफ, आए दिन नहीं सुनते मस्जिदों के झगड़े, मैनेजमेंट और इमाम के झगड़े, वो भी छोड़ गया, वो भी, और कोई चला जाए कोई बात नहीं, अल्लाह ने कह दिया तस्रीहूं बेसान, तलाक हो रही है, मियां बीवी जुदा हो रहे हो, अलग हो जाओ, कोई बात नहीं, इज्जत से जाओ। साहबा में से एक ही तलाक होती थी ना दूसरी बीवी से, तो बाद में उसी औरत के लिए किसी और साहबी को कहते थे उस औरत से निकाह कर लो, अच्छी औरत है, तो फिर तुमने क्यों छोड़ा, तुम्हारी क्यों नहीं, हमारा मिजाज नहीं मिला, लेकिन औरत वो बहुत अच्छी है। यही वो औरतें भी करती थी, एक एक साहबी की 3-3 जगह से शादियां, एक एक औरत की 3-3 डिफरेंट शादियों के बाद 4th जगह सेटल हो जाते थे, हमने तो जिंदगी मौत के मरहले बना लिए। तो सारी बात को अब मैं आपके साथ चंद स्लाइड के साथ समअप करूंगी। पहले तो मुझे माफ करें अगर मेरी को बात किसी का दिल दुखाए, लेकिन मैं एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी पे यहां बैठी हूं, मैं वो गोलियां मीठी बांटने वाला डॉक्टर या कंपाउंडर नहीं हूं कि आप मुझे अच्छा, मुझे कोई अच्छा ना कहे, मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि कोई मुझे अच्छा कहे। बस आज मेरी इस बात के बाद अगर आज आपके दिल में ये तड़प आ जाए कि हमने इस कुरान को समझना, तो फिर आप इस साल के लब्बैक कहिए दौरा कुरान को, साथी बनिए, अभी इस प्रोग्राम को खत्म करते ही साथ ही सारे बैठ जाएं, इधर ही बैठे बैठे फैसला करके कल शाम या आज शाम तक आपको फ्लायर मिल सकता है, जाइए अपनी मस्जिद को बात करिए। आपने जिन्होंने हमारे पास आना है सो बिस्मिल्लाह, वो तो आपको हम सारे अंकों पर रखेंगे। कल भी दर्स है, मंडे से थर्सडे, मंडे ट्यूसडे वेनसडे, तो ये 3 दिन है जिसमें हमारी सूरह यासीन ऑनगोइंग चल रही है हमारे इंस्टीट्यूट पे। 12 बजे सब आ जाइए, 12 से 2, ओनली 2 आवर्स में हम सूरह यासीन की 1 या 1.5 आयत होती है डेली, और ये सिलसिला हमारा चलता जाता है, आके देख लीजिए। हमारे पास 9 बजे भी क्लास होती है, आके चेक करें, हमें देखिए हम कौन है, हमारा क्या मन है, ना फिरका, ना कोई मसलक, ना जमात, ना कोई प्रमोशन, ना इधर कोई पैसा है, ना जाहो जलाल है, ना सियासत है, ना सदारत है, ना वजारत है, ना किसी से पीछे कोई जुड़े रहे। सीधी सी कुरान की दावत है कि जब आप या अय्युहल लजीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम पढ़े, तो आप कहें जी अल्लाह जी। साहबा में कुछ थे वो कह देते थे जी अल्लाह जी,
नाम आई एम हेयर, जैसे आपका कोई नाम लेता आप दूसरे का जी अम्मी, जी सिस्टर, किसको बुलाया? तो ये या लजीना आपकी पुकार है आपके दिल पे, फरमाया कुतिबा अलैकुम अस्सलाम। कुतिबा पता क्या? फुरीजा। मैं आपको ये वेडनेसडे, ये जो ट्यूसडे क्लास है ना, उसका टेस्ट देती हूँ एक मिनट के लिए, अभी सिर्फ एक लफ्ज पे गौर कराऊंगी। कुतिबा लिखा गया, ये उर्दू में नहीं कहते लिखत पढ़त, ये वो लफ्ज है। कई जगह पे तलाक को कहते हैं कागज दे दिए, कुतिबा के या मानिए फुरीदा। अलैकुम तुम पर, अला का लफ्ज इला नहीं है, ये वो बारीकियां जो आपका अभी जहन नहीं चलेगा इतनी तेज। इस एक आयत की इंशाल्लाह हम करेंगे अपने पास वहां, फिर आप देखिएगा वेलकम रमजान जब होते हैं ना, तो उसमें सिर्फ इस एक आयत पे बात होगी। तुम पर अस्सियाम, आज सिर्फ लफ्ज सियाम कहने लगी हूँ। सियाम क्यों आया? रोजा, तो रोजे को तो सौम भी कहते हैं। सौम और सियाम का फर्क क्या है? जब बीबी मरियम को कहा गया कि ये बच्चे को ले जा अपनी बस्ती में, तो कहने लगी कि अल्लाह मैं क्या करूं, भेजी तो खानदान वाले कौम वाले मुझे कहेंगे बच्चा कहां से आ गया। बीबी ऐसा पैदा हुआ, कहा जा अपने इस बच्चे को ले जा अपने लोगों के। फिर लोग क्या कहेंगे? कहा उस वक्त एक बात कहना, इन्नी नजर तुलिर्रहमानी सौमा। आप में कोई क्लासेस लेता है उसके लिए ये बात, सिर्फ बाकियों के लिए नहीं है। वहां का सौमा, यहां का सियाम। आज जाके सोचिए सियाम और सौम में क्या फर्क है, ये आपको वेलकम के दिनों में समझ आएगा। मैं आज नहीं बताऊंगी, सिर्फ बताने लगी हूं कि कुरान में गौर कर लीजिए। आज हमारा जुर्म ये है, हमारे इंडो पाक कल्चर का मेजॉरिटी का तरीका है तालीम के, फिक पढ़ा दो, ग्रामर की बारीकियां, तजवीद की बारीकियां, हाँ ये लफ्ज गलत पढ़ दिया, ये ऊंचा पढ़ दिया, ये पतला पढ़ दिया, ठीक है कुरान के 5 हक है, लेकिन जो कुरान का मेन थीम है ना, इंजार जिक्रा, ये मिसिंग है। हम डरते नहीं कुरान पढ़ के, हम राग निकालते अंदर से, मखरज निकालते, कुरान पढ़ के डरते नहीं। सहाबा का दिल डर जाता था, तो लिहाजा मिन कबलिकुम, तुमसे पहलों पे भी फर्ज किया था, तुम अकेले तो नहीं, क्यों? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम बचो। किससे बचो? दुनिया में रुस्वा होने से बचो। फेथ इन एक्शन आ गया, तुम्हारी रुस्वाइयां खत्म हो गई। डरेंगे लोग तुम्हें तो ऐसे देख के डरेंगे जैसे कोई शेर से डरता, और लोग डरते थे हमसे 1000 ईयर। नबी सल्लम के दौर से लेकर 1000 साल, 10 सदियां पूरी दुनिया पे सूरज बन के चमके मुसलमान। हारून रशीद एक बादल को आता जाता देख के कह रहे इसकी इसकी बरस, पानी चाहिए था, ड्राउट था, बादल अपनी अदा से आगे चला गया। कहने का जाता है तो जा, तो जिधर भी बरसेगा ना तेरा खराज मुझे ही मिलना है। इतनी बड़ी मुस्लिम हुक्मरानियां थी, मुसलमान जो यूरोप के दरवाजे पे नहीं आगे, टर्की क्या, स्पेन क्या, हिस्पानिया में जाकर मुसलमानों का 1000 साल का वो दौर पढ़िए। मैं गई थी जब, और मैं रो के पढ़ी और पूरी उनकी हिस्ट्री पढ़ती आई उन 8 दिनों में, दरवाजे पे खड़े थे। आज आपका टर्की सिर्फ 2 घंटे दूर है नॉर्वे से, यूरोप से कह लीजिए, नॉर्वे से तकरीबन 3-3.5 घंटे। बस एक मुसलमान मुल्क रह गया वहां, नाम का मुसलमान, वो अपनी टांगे कवर नहीं कर सकते, गुलाम बने बैठे हैं, सिर्फ इसलिए कि किसी तरह हमें भी उसी यूएनओ में डाल दिया जाए, वो उसी में डाल दिया जाए जो वहां की यूनाइटेड नेशन है। क्या करें हम, इसलिए कि हमें अभी इस किताब को सीखना है। तो अल्लाह करे कि मैं और आप इससे बेहतरीन तरीके से फायदा उठाएं, और ये दिन मेहनत करने के हैं बेहतरीन तरीके से। अब चूंकि हमने आज बात खास तौर पर खवातीन के रमजान की थी, तो आप स्लाइड्स के साथ देखिए, मैं आपको कुछ पॉइंटर्स देके उठूंगी इधर से, फिर बाकी बातें इंशाल्लाह कोई रह गई तो आप पूछ सकते हैं। पहली बात हदीस है तिर्मिजी की 684 682, इब्ने माजा में 1642, और सुनन निसाई में 2109 है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब रमजान की पहली रात आती है, सोचिए फर्स्ट यानी चांद दिख गया, जब भी यानी रमजान आ जाएगा, तो उधर क्या शैतान और सरकश जिन्नात को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है, और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, और पूरा महीना इसका कोई दरवाजा खोला नहीं जाता, जन्नत के तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं, और पूरा महीना इसका कोई दरवाजा बंद नहीं किया जाता। आपके मेरे समझने के लिए इसमें क्या है? नेकियां करनी आसान हो जाती हैं और गुनाहों को मुश्किल कर दिया जाता है। रोजे की फर्जियत एक लड़की एक औरत पे कब है? जब कोई मुसलमान लड़की
बालिग हो जाए, प्यूबिटी। और औरतों में तो आपको पता है ना कि पीरियड्स का आना बलूगत की अलामत होती है, तो प्यूबिटी के साथ फर्ज हो जाते हैं। ठीक है, नमाज के लिए तो एक एज बता दी ना, सर्टन 7 ईयर से लेके 10 पे फर्ज है। रोजा बास कहते हैं कि नमाज के साथ ही फर्ज हो जाता है 10 साल में, और अमूमन बच्चियां उस उम्र में बालिग भी हो जाती हैं। उससे पहले जाहिर है जब नफिल रोजे रखवाएंगे तो तभी वो फर्ज रखेंगी ना, एकदम तो कोई भी काम नहीं होता। स्लाइड चल रही है हमारे साथ, फिर मैं रुक जाती हूँ इसी पे। मैं जुबानी बता देती हूँ, यानी आपने मैंने जो काम करना है ना, आज इसको जहन में रखिए कि प्लानिंग, आज आपका मेरा जो मेन गोल है, प्लान कीजिए, डू समथिंग। मैंने इस साल के रमजान को जाया नहीं करना। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जितना आप एज अ वुमेन, यानी जाहिर है कि अल्लाह आपको सलामत रखे, आपके घर वालों को भी सलामत रखे, आप माँ होंगी, बच्चे होंगे आप में से बहुत सारों के, किसी के नहीं भी है तो बहुत अच्छी बात है, और भी टाइम आपके पास, बीवी है किसी के घर में, कोई बुजुर्ग होंगे, आप बहू हैं, बेटी हैं, अपने वर्क को प्लान कीजिए। आज सोचिएगा कि मेरी जिंदगी में ये रमजान आ रहा है, और कोई नहीं पता कि हमने रहना भी है कि नहीं, ये भी बता दो। रमजान से पहले अचानक मौतें बहुत होती हैं। साल मेरे से आप जुमला सुनते हैं जो भी लोग मेरे साथ चल रहे हैं, अल्लाह जाने क्यों, शायद इसलिए तो नहीं है कि कई लोगों ने सोचा होता है कि हमने रमजान में तौबा करनी है, फिर खूब गुनाह कर लो, फिर जीरो पे आ जाएगा हमारा मीटर। तो नियत कीजिए, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमजान, अल्लाह में रमजान तक जिंदा रखना। और इसी तरह, अच्छा ठीक है, गो थ्रू कर लेते हैं, मैं तो रेडी हूँ, लेकिन मैंने कहा आपको फिर खाली सुनने में शायद उतना समझ ना आए। तो आपका मेरा काम क्या है, आज से नियत करें, सबसे पहली चीज प्लान। हम हर चीज के लिए ना पहले जहनी तौर पर तैयार होते हैं, फिर दूसरा होता है। आज आप क्यों आए इधर, आप मेंटली प्रिपेयर्ड थे। अगर आपने अपनी किसी फ्रेंड को, दोस्त को कहा भी होगा ना अभी आखिरी वक्त पे चलने को, तो कहेगी नहीं मुझे तो नहीं, मैं तो नहीं तैयार, नहीं 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 मेरे ये वो है। हालांकि वह आ सकती थी लेकिन मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थी। ठीक है, तो आज से हम कौन से मोड में आ जाए, रमजान मोड। एरोप्लेन मोड होता है ना फोन में, साइलेंट मोड भी होता है ना, हमने कौन से मोड में आना है, तो अपने फोन की तरह अपने जहन का रमजान मोड ऑन कीजिए। और यकीन करें जिंदगी बहुत मुख्तसर है, छोटी सी जिंदगी में से अगर आप अबव 30 है ना, बल्कि मैं उसको 32 कह देती हूं ताकि हाफ हो, तो आप मिडल से ऊपर जा चुकी। 63 ईयर है हमारी उम्र है, उससे ऊपर तो बोनस है। 63 वाले लोग बोनस में गुजर रहे हैं, उससे ऊपर जो भी है 40 है, तो फिर तो आप समझें कि आप 2/3 से गुजर गए। और 50 वाले तो बस हाथ लगाने वाले, और 60 वालों को देख लीजिए, और जो 63 से ऊपर है तो उनका तो वो कह लीजिए कि वो जैसे कहते हैं ना रिजर्व लगा हुआ है, किसी वक्त भी पेट्रोल खत्म होगा और गाड़ी खत्म हो जाएगी। अल्लाह हम सब पे अपना रहम करे। तो पहली बात यह है कि हमने प्लानिंग करनी है, वी शुड प्लान, मनसूबाबंदी, वाज़े मकासिद का तयन कीजिए ताकि इसका हसूल आसान हो। जैसे मैंने आज आपको एक पॉइंटर दिया है कि दौरे कुरान सुनना है, लंबी चौड़ी नहीं बात, ये नहीं कि आपको 3-4 कुरान पढ़ने हैं, नहीं पढ़ सकेंगे ना इस साल, ये 2.5 से चले आपका टोटल 3 घंटे भी लग गए आने जाने को ले लें, तो 3 घंटे आप जितना कुरान पढ़ते थे उसको सामने रखें, तो आप देखिए कि आप उसमें ये काम कर लें ना, पढ़िए सदा कुरान, पूरे यकीन से मैं आपको कह रही हूँ ये बात, रोक नहीं रही कुरान से। आप डोली रोज हर रमजान में डेली 2-2.5 घंटे कुरान पढ़ते थे ना, उसको इस सुनने में लगा दें। इसमें एक सादा कुरान, तर्जमे वाला कुरान, फिर उसमें हर रुकू के मेन पॉइंट चीजें आती हैं, फिर उसके अंदर से कई चीजें, यानी जितने एंगल हैं आपको उतना अच्छा है। ठीक है, फिर हर मकसद के लिए टाइम टेबल के मुताबिक आपको टाइम दे रहे हैं, ये देखिए ये हमारे पास है, आप लोग बाद में ले लीजिए। इधर मस्जिद पे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी किसी ग्लासी डोर पे इसको लगा दें ताकि इस पे भी जो खर्चा आया है वो जाया ना हो। ये हमारा ज़ादुल खैर है, ये 4 दिन का, उसी वीक से मंडे से शुरू हो रहे हैं, तो उससे पहला मंडे से थर्सडे 4 डेज में हम हर साल ज़ादुल खैर के नाम पे रमजान की तैयारी कराते हैं। जैसे आज आपको मैं बहुत सारी बातें ना बताऊं भूल भी जाती हैं, इसमें हम पूरा A to Z देख लेते होते हैं, रोजा कैसे उठता है, क्या नहीं, बच्चियों का, बड़ों का, सब कुछ करते हैं। ठीक है, और ये सेम टाइम सब हमेशा अब इसके यही रहेंगे 10:30 से 1। इसका एक मकसद ये भी होता है कि लोगों को यूज टू कर दें ताकि एकदम पहले दिन वो मिस ना कर दें,
और अगर आए तो उनको मसला ना हो, माइक चेक हो जाते हैं, बहुत कुछ होता है। तो ये चीज आप हमारे स्कूल में आके करें या जहां इधर करना चाहें बिस्मिल्ला। उसके बाद ये हमारा मेन फ्लायर है इस साल जो बना हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा फ्लायर लग रहा है? आप लोगों में से किसी ने देखा पहले ये कि नहीं? अभी नहीं दिखा ना, अभी शायद सोशल मीडिया पे अभी यहां नहीं आया। ये वाला है, इसकी डेट्स भी लिखी हैं। फेथ इन एक्शन है, नसरु मिन अल्लाह व फतहुन करीब, जो मैंने अपने लफ्जों में बताया। ऐसा ही फ्लायर हम आपके लिए भी यहां बनाएंगे इंशाल्लाह, अगर आप इसको एक लोकेशन बनाते हैं तो। आपको एक प्लानर मिले, कुछ और एक्स्ट्रा नेकी ना करें। घर वालों के लिए सहरी बनाएं, इफ्तारी बनाएं और मुनासिब बनाएं। उसकी भी टिप्स आपको बहुत सारी मिलती है, हम आपको रेसिपीज भी शेयर करते होते हैं। वो कहता है ना, कम खर्च वाला नशीन। आपका थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन लोग कहेंगे कैसे बनाए, लेकिन आप उनको ना बताइएगा कि ये तो मैंने क्रोसांट्स को डिप करके बना लिए। लोग कहेंगे हाय आपने ये डिजर्ट कैसे बनाया। प्री मेड चीजों को ही थोड़ा बहुत पलट लें, खूबसूरत हो जाती है। तो क्या करें, हर दिन और रात की प्लानिंग करें। बिस्तर पर जाते हुए या नींद से बेदार होते हुए देखें मैंने क्या करना है। फिर पूरे साल महीने के लिए आप कुरान की तिलावत और नमाज तरावी का एक प्रोग्राम मुकर्रर करें। आप इतनी अच्छी मस्जिद में बैठे, आप इधर ही तरावी पढ़िए। इन मस्जिदों को हमने रमजान में भी आबाद करना है और इधर से जब कुरान आएगा तो इंशाल्लाह ये पूरा साल ही फिर आबाद रहेंगी। जिधर आपको इजी लगता है बच्चों के साथ मिल के जाकर कुरान सुनिए। और हमारे स्टूडेंट्स का वो फीडबैक जो वो तरावी का पारा सुन के आते हैं और सुबह दौरे कुरान करते हैं ना, वो फिर होते हैं। इस साल हम 10 डेज पहले शुरू कर रहे हैं। आपने देखा होगा 26 को तो भी रमजान नहीं। दो वजूहत हैं उसकी। नंबर एक के रोजा रखकर आना कभी कुछ लोगों को मुश्किल लगता है, एनर्जी लेवल डाउन है तो आपको शुरू में रोजे के बगैर आने की आदत हो। कुछ हल्का फुल्का स्नैक, कोई फिंगर फूड है तो चले, चाय पानी होता है तो उससे जरा नींद नहीं आती, ठीक है। और बहुत ही खूबसूरती है कि आखिरी 10 दिन फ्री है। हम अलग कोर्स ऑफर करेंगे बाद में, कोई करना चाहे करे ना करे, लेकिन फिर आप अपनी ताक रातों की इबादत करें। अल्लाह आपको और हम सबको मिलकर उमरे पे ले जाए, हम सारे उमरे पे चले जाएं। तो ये इंशाल्लाह हमारा 28th लिखा हुआ है ना, 28 फरवरी तक चलेगा संडे। यानी कहने का मकसद ये है कि इसको बहुत सोच के हम बनाते हैं। टाइम भी हमने दूसरे जोन्स को साथ लिया होता है तो आपके पास ये मौजूद है, तो अपना टाइम सेट करें। फिर इस तरह आप प्लान कर सकते हैं, कुछ सदका खैरात देना है, अपने पास अपनी मनी को किसी भी तरह से मैनेज करके ले लीजिए। जो दूसरा काम आपको देने लगी है वो क्या है, प्रायोरिटी सेट करें। ना करें मैं नहीं करती इस साल, मैं बिजी हूं, मेरी जॉब है। आप एक माह की जॉब से वो क्या कहते हैं, 2-3 घंटे की छुट्टी ले लें। आपके तो मैं बाद में सुन लूंगी, बात बात होती है। इस वक्त जो लेक्चर आप सुन रहे हैं ना, जो आपको समझ आ रहा है बाद में आप इसी की रिकॉर्डिंग सुनेंगे, वो फोकस नहीं होता। और आप मेरा हिस्सा बन गए साथ ही। प्रायोरिटाइज करिए, जिंदगी थोड़ी है, एंड मेक द गुड प्रायोरिटीज। छोटे छोटे मकसदों में तो जानवर भी जीते हैं। खा लिया, पी लिया, ई ड्रिंक भी मैरी, ये बड़ी नहीं है। आपको इंशाल्लाह हम इसमें प्लानर्स देते होते हैं, टाइम मैनेजमेंट, आपने पूरे दिन में कितनी देर किचन में काम करना है, कितनी, ये सारा कुछ हमारी ये प्रेप सेमेस्टर जो है ना इसके अंदर आता है, ताकि आपको हम एक्चुअली प्रैक्टिकल लें, क्योंकि हम सब भी तो वही कर रहे होंगे ना। ज़ाहिर है आपके जो एडमिन्स हैं उनके भी बच्चे हैं, उनके भी घर हैं, जिन्होंने टीचर बनना है। हमारे पास इंग्लिश का भी होगा शाम को। तो कहने का होता है कि बस अपने आप को प्रायोरिटाइज कर लीजिए, फिर अपने वक्त का तहफ़ है, सेव योर टाइम। टाइम मैनेजमेंट इज लाइफ मैनेजमेंट। इससे भी आप रहेंगे, हर वो चीज आप अपने आप को रमजान के लिए अभी से सोचें जो आपका वक्त जाया करती है। मुश्किल कपड़े पहनने छोड़ दें उन दिनों में, जिनको बार बार इस्त्रियां करनी पड़ती हैं, हैं? इजी गोइंग रहिए, फोन में बिल्कुल अहम कॉल्स लीजिए। और ये सारी चीजें इंशाल्लाह हम आगे से शेयर करेंगे, मैं सिर्फ पॉइंटर देती हूँ। फिर इस तरह कामों को अंजाम करते वक्त मुनासिब वक्त का इख्तमाम करें। हम में से कई लोग हैं वो 4 बजे किचन में चले जाते हैं, इफ्तारी कहीं जाके 6 बजे 7 होनी है, वो ठंडे हो रहे हैं। आप 1 घंटे में बेहतरीन इफ्तारी बना सकते हैं। मैं आपको इसकी टिप्स भी देने को तैयार हूँ। मैं खाना पकाती भी लगती तो नहीं आपको, लेकिन मुझे पकाना आता है। और आप यकीन करें कि आपके घर वाले गारंटीड है कि खुश होंगे, आपको 30 दिन का पूरा पैकेज देंगे हम, अल्लाह ने अगर तौफीक दी। फिर इसी तरह से नमाजों को वक्त पे रखना है, अपने कामों को जो आपने करने हैं अभी तक पहले से करके रखिए, इसमें देर ना कीजिए, पेंडिंग ना करें। कल का नहीं पता जिंदगी क्या होगी, टाल मटोल करना और इस तरह की बातों में पड़े रहना दुरुस्त नहीं। और फिर इस तरह अपने फैमिली के साथ इस साल आप बॉन्ड बनाइए कि मैंने अपने बच्चों, शौहर, इनको साथ लेकर चलना है।
और अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके बच्चों के लिए तो होना ही है, मर्दों के लिए भी शाम में हमारे स्कूल में कुछ ना कुछ ऐसा सेटअप हो। हमारे पास ये कमिंग वेडनेसडे से ब्रदर्स की एक क्लास शुरू हो रही है, जस्ट चार क्लासें हैं। सूरत मुल्क की तफसीर होगी, ब्रदर अहमद, क्या नाम है इनका, अहमद सलीम साहब का नाम सुना होगा, एक स्पीकर है। तो दिस वेडनेसडे, फ्रॉम दिस वेडनेसडे ईशा के फौरन बाद वो हमारे स्कूल में 4 वीक्स का एक और फ्री कोर्स है, कोई फीस नहीं है उसकी, लेकिन आप उसकी रजिस्ट्रेशन करेंगे, लिंक आपको साथ हम ग्रुप्स में दे रहे हैं, आज यहां भी देंगे, बेटों को लाइए। आप औरतों के लिए है नहीं, लेकिन आपको हम नीचे बैठकर आपसे बातें कर लेंगे, मर्दों को ऊपर छोड़ देंगे, यदि ऊपर हॉल है तो बॉयज एंड मैन, चार क्लासें के हफ्ते में एक दफा। तो एवरी वेडनेसडे, जो दिस वेडनेसडे फर्स्ट क्लास है, आप उसमें लाइए ताकि उनका भी जहन बने, सब साथ चलेंगे तो फिर ही होगा ना। फिर इसी तरह इंशाल्लाह हमने अपने माल से कुछ हिस्सा भी निकालना है और सुबह शाम के जिक्र अस्कार भी करने हैं। अल्लाह ताला आपसे मुझसे राजी हो। और ये आपको चंद चीजें, ये हमारे पास कुछ स्कैन्स हैं, आप इसको बाद में देख लें, मैं अपना इधर स्टॉप करूंगी, अगर आप में से कोई सवाल जवाब पूछना चाहे करना चाहे तो कर ले। ये 3 बार कोड है, अगर आप इजाजत देंगे तो मस्जिद के नोटिस बोर्ड पर लगा दें, फिर तो आप कभी भी कर लें। ये मिडल वाला, इसको आप ले लीजिए, ये वाला स्कैन करेंगे तो आप हमारे एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे जी, आप लोगों के करीब बात में कर सकते हैं। इस पे लिखा हुआ है, यानी एक हमारे रमजान पेज का इस वक्त का कोड है और एक व्हाट्सएप ग्रुप का है। और अगर आप इस मस्जिद में कुछ करना चाहेंगे जी, ये मिडल वाला ना, और जो मैंने आपको आज ऑफर दी है ना कि आप इस मस्जिद में, या अगर आप सुनने वालों में कोई कहीं और करना चाहता है, तो ये जो रेड कलर का है ना QR कोड, इसको स्कैन करेंगे, 2-4-6 सवालों का एक फॉर्म बनेगा, आप उसमें लिखकर भेजेंगे कि मैं यहां कराना चाहती हूँ, फिर वो आप हमारी लिस्ट में आएंगे ना, तो हम आपको ट्रेनिंग देंगे पूरी, पूरे रीडिंग मटीरियल और बाकी चीजें भी देते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आफियत में रखे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। एक छोटी सी चीज, ये जो ये वाला आखिरी स्लाइड है ना, वो खोल दीजिए, हम इसको ना स्क्रीन पे खुला रखेंगे, ये जिसमें 3 कलर के QR कोड्स हैं, आगे जाइए खुले में। ये आप देखिए, आप सब सिस्टर्स, अभी मैं यहाँ माइंड अप करूंगी ना, तो ये स्क्रीन खुली रहेगी ऐसे ही। आपने ये जो ग्रीन है ना, इसको तो फौरन कर लें, ये हमारा यूट्यूब चैनल है जिसमें इस वक्त भी आ रहा है और ये लेक्चर भी उससे मिल जाएगा। ये तो आप जितने लोगों को बढ़ाएं, आगे देंगे, फायदा भी होगा। और ये ग्रीन ब्लू वाला वही है जो इसके मिडल में, तो मेरा ख्याल आप ये पर यूज ज्यादा करें तो सेकंड वाले में आप व्हाट्सएप में आ जाएंगे और रेड जो है इसमें फेसबुक में, तो एटलीस्ट आपका एक दरवाजा खुल जाएगा कि आपके तक खैर पहुंचती जाए। अल्लाह ताला आपसे मुझसे राजी हो। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह ताला इस मस्जिद को आबाद रखे, मस्जिद को आबाद रखने वालों को आबाद रखे, और हम सबको इधर खैर के दिए जलाने की तौफीक दे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सुभान रब्बी का रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कोई आपके जहनों में बात है, कोई सवाल है, आप करना चाहे, हमारे एडमिन्स भी हैं। अतीक आप लोग माइक होल्ड कीजिए जी। एनीथिंग, आई एम हियर। सिर्फ QR कोड कीजिएगा जी, फेस हमारी तो नहीं लेंगे ना, उधर की लेंगे। आप में से किसी ने कोई तस्वीर तो नहीं खींची मेरी? ऑफकोर्स आप समझदार लोग हैं, मुझे किसी ने अम्मा को दिखानी है, सास को दिखानी है, बुलाना है, तो मुझे वहाँ वैसे ही बुला ले, मैं वहीं चली जाऊंगी, लेकिन इजाजत नहीं है इस चीज की ना, ये एक अमानत है। You can ask, then I will tell you. Any question you have? Yes. Okay. All right. Actually, my question is about Umrah and Hajj for ladies to get mahram. So I heard I think in Saudi government they said nowadays ladies don't need mahram. But I just searched in Google, there is a most of scholars say they must have to take mahram, and who don't have mahram, that lady not required for Umrah and Hajj.
But some of the scholars say, like, nowadays they can do because the nowadays ladies are more independent and some other situation of worldwide they can handle themselves. So still I'm confused about that. What your heart says, sister? Huh? What your heart says? My heart says, like, my heart says, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says, like, whatever sunnah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says, like, I must have to take a mahram with me because he's not telling according to 1400 years ago. He's telling until Al yawma akmaltu lakum deenakum wa atmamtu alaykum deeni. Allah SWT has complete religion, right? If everyone says anything that is against Quran or Hadith, so we are not supposed to follow that. One more, like, that's also religion, because I want to clarify this topic properly, because there's some scholars saying, like, 60 and over ladies don't need mahram as they are older, and some scholars say, like, they are agree with that, and some say not. Give me my kaimila. Right. That is the most famous question that people mostly asked. आप देखिए कि इनका सवाल तो आप सबने समझ लिया. You understand Urdu, right? इनका सवाल सबने सुन लिया कि हज और उमरे पे एक औरत जाएगी कि नहीं. मैं एक छोटा सा सवाल करती हूँ. हम ये सवाल पांच वक्त की मस्जिद की नमाज का क्यों नहीं करते? I will spare. Sister, my question. If Allah SWT exempted one woman, कि शी इज नॉट फोर्स्ड टू डू उमरा और हज व्हेन शी डोंट हैव एनी महरम, राइट? इज अ बिग इबादा हज एंड उमरा. माय क्वेश्चन, इन दिस मस्जिद मेन आर सपोज टू प्रे 5 times विद जमा, अ वुमन इज नॉट. व्हाई वी वुमेन, वी सिस्टर्स डू स्ट्रगल फॉर दिस? दैट इज माय आंसर. व्हेन वी आर सो मच फाउंड ऑफ and we have this love to go to Umrah, why should we don't have this, you can say, courage, and we have this, I should pray 5 times in the masjid, I will pray Jummah here. My question, you understand the point? Start with a small neki, small good deed, what you can do, Allah will lead you to the other thing, first thing. Second thing, I am just giving you the sequences. Some says we don't have mahram. Some says my husband don't want to go. And what happened, I know the sisters, she said, okay, I went for Umrah and Hajj even. But from that day till now, my husband is not ready to go. Why? He said, you have done already, I am not supposed to go. But there is one sister, she said, I was keep talking to my husband, please go for Hajj, we should go. He said, okay, I'm going just for you. Even he, it was for us on him too. And then they both went, and the heart of husband changed. And she said, Alhamdulillah, I was strict, I will go with my husband. Otherwise, I will be hajjan, I will be more religious, but my husband even die without doing hajj. Why we will not make the this, you can say, atmosphere at our home, that we will do good deeds together. Only woman that will be left, ki she don't have any mahram. I know I have many sisters. For example, some sisters, they live in Norway. No one is there. Even they don't have husband. She is single mother. She don't have... Allah knows their intention. Right? So, what should I choose for myself? My action is not hujjat. What I think is not a hujjat. Go strict with the hadith. If the strong narrations and you know, the majority of the scholars and the akabir, the salaf salihin says it's not allowed, then stick with that. Otherwise, after maybe a few years, we will see in Saudi Arabia this is allowed and this is allowed, then what we will do? Everybody knows what changes are going on there now. Even any Imam-e Kaaba, it's not hujjat for us. Hujjah is for us, qala Allah wa qala Rasul.
So do whatever you feel comfortable and leave it here. Just think, because this is not the small issue we some women will solve this here. It's a big issue on the world platforms, right? So what I will do, I will not go without my husband or my mahram. There's other question is scholar says like after 60 years. Yeah, that is I forget that. Listen sister, 60 साल की उम्र में औरत ज्यादा बीमार होती है कि कम? You know the औरत it will be above 60. Why Allah Taala put the condition for of mahram? Because during traveling we have many more chances of death and sickness and adversity than staying home. If something happens to any woman, if her mahram will be with her, alhamdulillah, he can take care of her. If woman is above 60, she will be much weaker than 40s and 30s, and same thing. So answer is same. No. Okay? Jazakumullah khair sisters, Allah aapko razi ho. Jazakallah, aap sabko bhi Allah tala behtareen jaza de. Aur sister Humaira, aapko bhi Allah tala jaza khair de. Aur sawal hai kuch? Aap le lijiye meri taraf se. Puchiye. Any other questions, sisters? Anybody else have any questions? You? Because of most of the Surah verses, we just blow on ourselves after reading, but this is a good question, I think. I think so. Your answer is in question. Your answer is in the question. If we are not supposed to do with Surat Masad, right? So how can we do this with all other Quran's verses? It's not Sunnah. We should think, we should learn, we should speak, we understand, but we are not supposed to do like this. This is not Sunnah. It's same thing ke khana khane ki bajaye hum jism pe maal lein. Right? We are not supposed to do this. Okay, Jazakallah. Yeah, confusion over there because you know we have heard that the revelation of Surah An-Nas is like you know Prophet was used to read when he went to sleep. He says "Kulauzu bi Rabbin Nas Falak," and just like blow, and then he did this wherever he can do. This is Sunnah. We should do this. But we can't say ke this we can do with all other surahs or any time. It's only for the night time azkar ke before sleeping. This is a security. So we are supposed to, whatever he do, we do. What he don't do, we are not just like think if he can do this, so then we can do this and this too. That is it. We should make the religion simple. Okay? This is a simple religion to understand. Jee, jee. Anybody else? किसी को कोई सवाल है जी फिर ये सेकंड सवाल है आज जी मनीता जी अस्सलाम वालेकुम मैंने आपसे पूछना था कि इंशाल्लाह हम सब लोग ज्वाइन करेंगे लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि पीरियड्स और रोजे के जो इश्यूज है अगर आप ब्रीफली बता देंगे जी वो आप जब भी चाहेंगे हम बता दें थोड़ा सा ब्रीफली अभी भी बता दें अभी नहीं इन्होंने इस पे बात की हुई है यही मस्जिद है ना वो कि जहां हमने करना है ये टॉपिक जी नहीं वो कोई हम इट विल बी अ वर्कशॉप कमिंग शाहीन आपको बताएंगे ये मुझे रात को बता रही थी कहाँ होगी वो जी जी एक्चुअली ओके या आफ्टर रमजान एंड इवन सिस्टर फ्रॉम दिस डेज लेट मी शो यू फ्रॉम एनी फोर ऑफ डेज वन डे वी डू दिस एवरी ईयर वी डू दिस आप लोग उस दिन स्पेशली आ जाइएगा अगर इधर करे होंगे तो जो ये चार दिन का कोर्स करेगा ना इसमें ये मसला डेफिनेट आएगा
انشاءاللہ اسپیشلی عورتوں کے وہ مسائل پیریڈز کے جو روزے اور رمضان سے ہے. مسائل ہے کہ اگر کسی کو شاور لینا ہے لیکن سحری کا وقت بھی ہے کیا وہ کھانا کھائے, یہ آل مسائل بھی ول ڈو. اور چاہیے آئی تھنک اس دفعہ ہم اپنے سیشن میں ہی وہ ورک شاپ ڈال دیتے ہیں تاکہ پھر باقی جن کو چاہیے آپ لوگوں کو وہ الگ سے اسی میں سے نکال دیں گے. آؤٹ آف فور ڈیز دس دا فور ڈیز سو ون ڈے وی ول ڈو دس ورک شاپ ان دا سیم پروگرام ان شاء اللہ. جی اینڈ ایون سسٹر یو کین گیو یور نمبر اینڈ آپ ان کو نا کتاب طہارہ کا لنک دے دیں. وی ہیو آلریڈی ڈن ہول ٹاپک ود احادیث ود ٹیکسٹ ایوری تھنگ اینڈ وی ٹیچ دس ان آور کلاسز ماشاء اللہ. از اے کمپلیٹ بک کتاب طہارہ باب الغسل باب التیمم اینڈ ایون ہسبینڈ وائف ریلیشنز اینڈ ایون دا پیوبرٹی پرابلم مینسٹریشن وی شوڈ نو دس 100% we should know this. So inshallah جو ہمارے پاس اس کے ریسورسز ہیں ہمارے ایپ پہ بھی ہے. If you do the same spelling نور القرآن only this word نور القرآن this one so you can go into the app store. If you have iPhone you will find our app. In the books we have this book. ٹھیک آپ ان کو بعد میں نا کھلوا بھی دیجیے گا ٹھیک ہے. سو یو کین اسٹارٹ لسننگ اور بلکہ اچھا ہوگا کہ آپ اپنے آرام سے اپنے کانے پکانے کے اپنے گھر میں پورے فوکس کے ساتھ سنیں تو یو ول گیٹ اٹ. جی 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 موسٹ آپ واٹس ایپ نمبر لے لیجیے میرا. آ سکتے ہیں بالکل آ سکتے ہیں بالکل آ سکتے ہیں. نہیں ہم لوگ دیکھیں جو قرآن میں ترجمہ لکھا ہوا ہے نا دیٹ از اے بک جسٹ لائک تفسیر یا کچھ بھی ہے ایک بات. دوسری بات یہ کہ آج کل ماشاء اللہ اتنی سہولت ہے دیکھیں اسکرین پہ آپ کو قرآن دکھا رہے ہیں فون سے آپ کھول سکتے ہیں تو وی آر ناٹ سپوز ٹو ٹچ دی عربک ورڈس رائٹ. سو سادہ بالکل جس طرح ہوتا ہے نا جس قرآن میں کچھ بھی نہیں وہ نہ کھولے. اور ویسے بھی سسٹرز تو اردو والے کے ساتھ لاتی ہیں نا تو یو ہیو ٹو کم. نو کہنے کی تو ضرورت ہی نہیں وی آر سپوز ٹو ڈو ورنا تو پھر آپ دیکھیں کوئی کلاس ہی نہ ہو کبھی میں نہیں پڑھوں کبھی آپ نہیں پڑھیں تو ہاؤ کین وی مینج دیٹ. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك